आगे बढ़ते हैं। टिहरी उत्तरकाशी बॉर्डर पर सहस्ताल में फंसे ट्रैकरों के मामले में डीएम के निर्देश के बाद घनसाली से एक रेस्क्यू टीम मौके के लिए रवाना की गई। रेस्क्यू टीम में एसडीआरएफ और अनुभाग के साथ ही स्थानीय लोगों की एक टीम मौके के लिए रवाना की गई जो ट्रैकिंग करते हुए मौके पर पहुंचेगी और रेस्क्यू काम में मदद करेगी। डीएम टिहरी का कहना है कि आसपास के हेलीपैड को भी एक्टिवेट कर दिया गया है और उत्तरकाशी प्रशासन से लगातार संपर्क किया जा रहा है। हमने घनसाली की साइड से भी एसडीआरएफ और फॉरेस्ट की जो वन विभाग की टीम है उसको तैयार किया है और वो लोग भी वहाँ पर विजिट कर रहे हैं, ट्रैक करके जा रहे हैं। इसके साथ ही जो भी निकटतम हमारे हेलीपैड्स हैं उनको भी एक्टिवेट किया गया है और लगातार उत्तरकाशी जिला प्रशासन के साथ और एसडीआरएफ की टीम के साथ हम समन्वय स्थापित करके कार्य कर रहे हैं। पौड़ी में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया है। बेंचवाड़ी सड़क पर एक ऑल्टो कार 100 मीटर खाई में जा गिरी। इस हादसे में कार चला रहे शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई जबकि कार में सवार दूसरा शख्स घायल हो गया जिसे प्राथमिक इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। एक सिलेरियो गाड़ी 100 मीटर गहरे खड्ड में गिरी जिसमें दो युवक सवार थे, एक अरुण और एक दिवाकर नौटियाल। तो दोनों युवकों को रेस्क्यू किया गया, समयबद्ध तरीके से 108 के माध्यम से जिला अस्पताल पौड़ी पहुंचाया गया और वहां पर अरुण की जो है मृत्यु हो गई जो ग्राम गैंड के निवासी थे और लिपिक के पद पर कार्यरत थे। दूसरे युवक दिवाकर नौटियाल को जो है श्रीनगर बेस हॉस्पिटल रेफर किया गया। उत्तराखंड में 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने फिर से जीत का परचम लहराया है। वहीं इस जीत के लिए सीएम धामी ने जनता का आभार जताया। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के काम पर जनता ने फिर से मोहर लगाई है। चुनाव में गया था, देश की जनता ने एनडीए गठबंधन को मोदी जी के नेतृत्व में बहुमत दिया है और उत्तराखंड के जनता ने भी 5 सीटें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ से भारी बहुमत से जिताया है। 5 कमल दिल्ली भेजे हैं। मैं देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को भी नमन करना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिन अपेक्षाओं के साथ, जिन आशाओं के साथ, जिस विश्वास के साथ उन्होंने हमें लगातार अपना आशीर्वाद दिया है, प्रोत्साहन दिया है, हमारा एक एक पल और एक एक क्षण देवभूमि को समर्पित रहेगा, देवभूमि वासियों को समर्पित रहेगा। उत्तराखंड में एक बार फिर से बीजेपी ने चुनावी परचम लहराया है। बीजेपी ने सभी सीटों पर एक बार फिर से जीत दर्ज की है और बड़ी बात यह है कि इस बार भी जीत का अंतर काफी ज्यादा रहा है। पहाड़ का वोट एक बार फिर बीजेपी को पड़ा है। बीजेपी ने उत्तराखंड की 5 सीटों पर जीत हासिल की है। हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल और अल्मोड़ा सभी सीटों पर बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। हालांकि इस बार जीत का अंतर पिछले चुनाव के मुकाबले काफी कम रहा लेकिन फिर भी बीजेपी ने आसानी से सभी सीटों पर कब्जा कर लिया। जबकि कांग्रेस के लिए देश भर में भले कुछ राहत की खबरें हैं लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस का खाता एक बार फिर खुल नहीं पाया। सभी सीटों पर चारों खाने चित हो गई। धर्मनगरी हरिद्वार सीट पर बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को जीत मिली है। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कांग्रेस के वीरेंद्र रावत को हराया। बेटे वीरेंद्र का चुनाव हरीश रावत के लिए भी नाक का सवाल था लेकिन हरीश रावत और उनके परिवार को एक बार फिर हार मिली है। हरिद्वार में निर्दलीय प्रत्याशी एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ और कांग्रेस की हार की बड़ी वजह भी साबित रहा। त्रिवेंद्र रावत हरिद्वार से जीतकर पहली बार संसद पहुंचेंगे। बहुत आभारी हूं मैं हरिद्वार की जनता का, यहां के तमाम मतदाताओं का और पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके और ये सफलता अर्जित कर पार्टी की झोली में डाली है। पौड़ी गढ़वाल सीट पर बीजेपी के हाई प्रोफाइल कैंडिडेट अनिल बलूनी ने धमाकेदार जीत दर्ज की है। अनिल बलूनी ने कांग्रेस के गणेश गोदियाल को भारी वोटों के अंतर से हराया। राज्यसभा सांसद रह चुके बलूनी पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और उन्हें वोटर्स का भरपूर साथ मिला है। अनिल बलूनी ने पौड़ी सीट पर बड़ी जीत दर्ज की है जबकि कांग्रेस के अलावा बाकी सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। इसके लिए बहुत सारे काम करने हैं। आने वाले समय में मैंने वादा किया था कि गढ़वाल देश की प्रथम लोकसभा होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसको पूरा भी करेंगे और जितने कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है इन सब के लिए भी मेरा बहुत बहुत आभार है। आने वाले समय में आज स्वागत है, कल से काम शुरू है। बहुत बहुत धन्यवाद।
नैनीताल में उत्तराखंड की सबसे बड़ी जीत रही। केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने कांग्रेस के प्रकाश जोशी को पटखनी दी। अजय भट्ट की जीत का अंतर 2 लाख से भी ज्यादा वोटों का रहा, जो कि राज्य में सबसे ज्यादा है। अजय भट्ट पर वोटर्स ने लगातार दूसरी बार भरोसा जताया है। पूरे उत्तराखंड की जनता और देश की जनता को और अपने नैनीताल तथा उधम सिंह नगर की जनता को धन्यवाद करता हूँ कि आपका जो विश्वास है वो बरकरार रहा है। और अपने कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ कि रात, आधी रात और सुबह 4 बजे से उठना और जो मंत्र हमको संगठन ने दिया है उस पर आगे बढ़ना, मोदी जी के जितने भी कार्य हैं उनको गांव-गांव तक पहुंचाना। मैं कार्यकर्ताओं का अपने सभी संगठन के बूथ अध्यक्ष से लेकर अपने जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सारी टीम का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। टिहरी सीट पर भी बीजेपी ने बाजी मारी है। बीजेपी प्रत्याशी माला राजे लक्ष्मी को एक बार फिर बड़ी जीत मिली है और उन्होंने कांग्रेस के जोत सिंह गुनसोला को हराया है। टिहरी सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार ने दिलचस्प फाइट दी। कई विधानसभा में तो बॉबी पवार को सबसे ज्यादा वोट मिले। हालांकि माला राजे लक्ष्मी ने एक बार फिर बेहद आसानी से टिहरी सीट पर कब्जा कर लिया। ये जीत हमारे उत्तराखंड के लिए, कोई व्यक्ति के लिए नहीं है, मोदी जी के लिए। और मैं बहुत मुझे लग रहा है कि हमारा उत्तराखंड ने फिर एक बार और हमने बीजेपी ने हम 5ों सांसदों ने बीजेपी को आगे की है। बहुत अच्छी बात है, जिस तरह से मोदी जी उत्तराखंड के ध्यान देते हैं, हम लोग ने भी, हमारे लोगों ने भी ये समझ कर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने 5ों सीट आगे कर बीजेपी को आगे कर रहे हैं। सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अल्मोड़ा सीट पर बीजेपी के अजय टमटा ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। लगातार तीसरी बार अजय टमटा यहां से चुनाव जीते हैं। तीसरी बार ये अजय टमटा ने अल्मोड़ा में प्रदीप टमटा को हराया। अजय टमटा की जीत का अंतर भी 1.5 लाख से ज्यादा वोटों का रहा। अजय टमटा ने एक बार फिर जनता के भरोसे पर खरे उतरे। भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता भाइयों को, बहनों को और मेरे संसदीय क्षेत्र अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत के 14 विधानसभाओं के देवतुल्य मतदाताओं ने अपना विश्वास जिताया, अपना आशीर्वाद दिया है नरेंद्र भाई मोदी के कार्यों को। और अल्मोड़ा पिथौरागढ़ जो सीमांत लोकसभा क्षेत्र है, इसमें जो ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी अंतिम गांव गुंजी में आए, आदि कैलाश में आए, जागेश्वर धाम में आए और हमारे इस क्षेत्र को सौगातें दी हैं, उसका ये परिणाम है। और हमारी जनता ने हमको ये आशीर्वाद कमल के फूल को, नरेंद्र भाई मोदी जी को और पुष्कर धामी जी को दिया है। उत्तराखंड की जनता ने एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा जताया है। 2014 के बाद 2019 और अब 2024 लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में क्लीन स्वीप किया है। 5ों सीटें जीती हैं और कांग्रेस का खाता एक बार फिर नहीं खुल पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने 5 सीटों में हार स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं ने अगर चुनाव लड़ा होता तो शायद नतीजे कुछ और होते। वहीं चुनाव लड़ने से इंकार करने वाले कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने कहा कि वो पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर चुके थे। प्रीतम सिंह ने कहा कि राजनीति में हार जीत होती है। मैंने तो पहले दिन से कहा और मेरी रिपोर्ट्स भी हुई हैं। मैंने चाहता यशपाला रेज अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लड़े, मैंने चाहता वो हरीश रावत जी, हरक सिंह जी हरिद्वार लड़े, मैंने चाहता कि प्रीतम सिंह जी टिहरी लड़े तो उससे गणेश गोदियाल जी को भी लाभ होता, पूरे प्रदेश में एक माहौल बनता तो शायद गणेश गोदियाल जी की लड़ाई भी कामयाब हो जाती। लेकिन दुर्भाग्य कहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं। उत्तराखंड राज्य के अंदर हम 5 लोकसभा चुनाव हारे हैं और जनता ने जो जनादेश दिया है उसको हम स्वीकार करते हैं। जहाँ तक अब बात उठ रही है कि ये लड़ता वो लड़ता, तो मैं तो शुरुआती दौर में ही कह दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। उसके बहुत सारे कारण थे जिससे कहा, लेकिन ये सब जो है राजनीतिक जीवन में होता है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में पौधारोपण किया। इस दौरान सीएम धामी की पत्नी गीता धामी ने भी पौधा लगाया। वहीं मुख्यमंत्री ने सीएम आवास के बाद सहस्त्रधारा के सिटी पार्क में भी पौधारोपण किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि आज सभी पर्यावरण को बचाने का संकल्प लें। सीएम ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड का जन जन जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है।
पर्यावरण दिवस पर मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और आज का दिन हम सब के लिए एक संकल्प लेने का दिन भी है कि पर्यावरण की हम अधिक से अधिक रक्षा करें, अधिक से अधिक पर्यावरण को बचाएं, पर्यावरण का संरक्षण करें, हमारे जितने जलों के स्रोत हैं उन जल स्रोतों को बचाएं, हमारे नाले, गधेरे, गाड़, इन सब का संरक्षण हो, साथ में अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो, क्योंकि देवभूमि हिमालय पूरे विश्व को पर्यावरण देने का, स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी देने का काम करती है, इसलिए हमारी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है, ये हमारा दायित्व है कि हम इसको बचाकर पूरे विश्व को पर्यावरण, शुद्ध पर्यावरण देने का, शुद्ध वातावरण देने का काम करें। और सभी लोग, चूँकि आने वाले समय में आज से ही जो है वृक्ष लगाने का, प्रत्येक परिवार पौधारोपण में अपना योगदान दे, जल संचय में योगदान दे। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।